झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, सरकार गिर सकती है। ऐसे में हेमंत सोरेन लालू यादव की राह पर निकल पड़े हैं। लेकिन क्या हेमंत सोरेन को राबड़ी देवी जैसी सफलता मिलेगी? क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वो सब कुछ हासिल कर पाएंगी जो राबड़ी देवी ने बिहार में हासिल कर लिया? आज पूरा एनालिसिस करेंगे, हमारे साथ सहयोगी सुजीत पांडे हैं। सुजीत जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि झारखंड के अंदर जो अभी मौजूदा हालात है, ईडी ने कई बार समन भेजा, हेमंत सोरेन नहीं गए। अब एक चिट्ठी जिसकी चर्चा होती है कि राजभवन पहुंची हुई है लेकिन खुली नहीं है, अगर वो खुलती है तो हेमंत सोरेन पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब इकलौता रास्ता क्या है? देखिए अर्पिता, देश के अंदर में बिहारी को जितना गाली दे दीजिए, पर जो बिहारी कर लेगा उसी पर लोग चलेंगे। हालांकि गलत और सही अलग मायने हैं, पर बिहार की राजनीति में जो लालू यादव किए वो अब हेमंत सोरेन करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, और आगे जाने कितना नेता करेंगे जो घोटाला करेंगे। लालू यादव चारा घोटाला किए, जेल गए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, अब हेमंत सोरेन खनन घोटाला कर लिए, जमीन घोटाला कर लिए, अब उन पर तलवार लटक गई है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। देखिए सुजीत जी, एक और बड़ी तस्वीर निकल कर आती है कि सारी तैयारी हो चुकी है। देखिए, उनके एक विधायक है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया 31 दिसंबर को, क्योंकि अगर वो दो दिन भी लेट होते तब उपचुनाव की संभावना खत्म हो जाती। अब उन्होंने ये जो पूरी प्लानिंग की है, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी सरकार बचना मुश्किल है, तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि आसानी से हम बने रहे सत्ता में जब तक कि दोबारा से विधानसभा के चुनाव ना हो जाए झारखंड के अंदर। लेकिन देखिए, ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है झारखंड के अंदर, आप देखेंगे कि पूरी वही वापिस स्क्रिप्ट दोहराई जा रही, कहते ना इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बिहार झारखंड कभी एक जैसे थे, और देखिए आज दोनों के साथ एक जैसी तस्वीर सामने आ रही। लेकिन बड़ी बात है कि दोनों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। अब लालू यादव की जो सफलता थी बिहार के अंदर, उसके समीकरण क्या थे? अब झारखंड में क्या वही सफलता सोरेन को मिल पाएगी? क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक अलग बैकग्राउंड से है, उड़ीसा से आती है। राबड़ी देवी बिहार की थी, बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या लगता है आपको? देखिए, लालू यादव के राहों पर चलना ये कहना आसान है, चलकर सफल हो जाना ये होना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल से। बिहार की राजनीति में जब लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, उस समय जो पॉलिटिकल पंडित थे ना, वो कह रहे थे ये सफल नहीं होगा। पर लालू यादव की जो समीकरण थी, उनकी जो ताकत थी, उनकी जो वोट बैंक थी, इसके बदौलत लालू यादव जो उन पर जो दाग लगा हुआ था चारा घोटाला का, उस दाग को थोड़ा धूमिल कर राबड़ी देवी के सहारे वो अपनी दाग को थोड़ा सा धूमिल कर उभर गए। 2004 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ, बहुत बड़े उभर नेता उभर के आए। हेमंत सोरेन के साथ ये नहीं होगा। अब लालू यादव के साथ कैसे ही हुआ, राबड़ी देवी कैसे सफल हुई, हम बताते हैं। 1997 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लालू यादव जेल गए, लालू यादव के हाथ में पूरा कमान था, रिमोट था, तो राबड़ी देवी साइन करने के लिए थी, फोटो खिंचवाने के लिए थी, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने के लिए थी। ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, उनको कोई जानकारी था नहीं। हाँ, राजनीति में उनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं, बिल्कुल था, नहीं था। वो तो घरेलू महिला के तौर पर, क्योंकि वो स्थिति राजद के लिए एकदम से ऐसी हो गई थी कि राजद कहीं खत्म ही ना हो जाए। लालू यादव का करियर एक तरह से दांव पर था वो, पर लालू यादव समझ रहे थे कि इतनी बात बनेगी, एक अनपढ़ औरत को बनाया, एक घरेलू औरत को बनाया, खूब सुनने को मिलेगा, पर मेरी राजनीति जो मेरी विरासत होने वाली है, जो अपने बच्चों को हम देने वाले हैं, वो राबड़ी देवी के सहारे चलेगा। किसी दूसरे को कमान दे देंगे तो ये मुख्यमंत्री का पद है, सबका मन डोलता है, जीता राम मांझी उदाहरण। तो इसलिए लालू यादव दूरदर्शी के नेता है, वो राबड़ी देवी को दिए। और इससे पहले बता रहे तो कैसे सफल हुए, देखिए 1997 के बाद 3 साल उनको मौका मिला, 3 साल बाद चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, और उस चुनाव में भी राबड़ी देवी का चेहरा रहा और जीत गए। तो 3 साल एक बड़ा मौका मिला लालू यादव को काम करने के लिए, अपने वोट बैंक को स्थापित करने के लिए, अपने पर जो दाग लगा था उसको धोने के लिए। पर यहाँ हेमंत सोरेन के पास कितना समय है लोकसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, एक बहुत कम समय है। या विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय है। बिल्कुल,
मतलब कहिए गिनती का कुछ माह बचे हुए हैं, और इस माह में हेमंत सोरेन कुछ बड़ा कमाल कर ले, इस तरह का उनका वोट बैंक नहीं है, इस तरह का नेता नहीं। हाँ, उनके पिताजी शिबू सोरेन उस तरह के नेता है, पर वो राजनीति से अब उतने दखल नहीं देते हैं, बिल्कुल उतने एक्टिव नहीं है। हेमंत सोरेन अगर सोच रहे हैं कि हम लालू यादव के राहों पर चल जाए, ये चल सकते हैं, पर कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए, पर वो सफल नहीं होंगे। उनको न चुनाव में सफलता मिलेगी और न पार्टी, जिस तरह से भी मजबूत है उस तरह की उनकी पार्टी मजबूत रहेगी। देखिए, बिहार में हमने देखा है कि जातीय समीकरण लालू यादव ने हमेशा सेट करके रखा, MY उनका हमेशा स्ट्रांग रहा, तो लालू यादव को पता था कि अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे फिर हम अपने घर के किसी भी सदस्य को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, किसी को भी बना देंगे मुख्यमंत्री, तो मेरा समीकरण बैठेगा। लेकिन झारखंड में ये चीज, हाँ इसी पर झारखंड वाला आप जोड़िएगा, मैं इसी पर बोलता हूँ। MY की जो बात आप बोली मुझसे छूटा था। देखिए, उस टाइम जब लालू यादव, जब जेल जाने की बारी थी लालू यादव को, तो लोगों को लगा कि कोई MY से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें एक था कि रघुवंश सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शहाबुद्दीन का भी नाम आ गया था, कई ऐसे एक दो नेता और थे जिनका नाम आ गया था, तो लग रहा था कि लालू यादव कुछ मैसेज देंगे MY समीकरण के तहत। लालू यादव के MY समीकरण पर इतनी पकड़ थी कि मतलब वो राबड़ी देवी के नाम जब सामने लाए तो कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध, यही बड़ी बात। ये हेमंत सोरेन के यहाँ ये विरोध हो रहा है। कुछ उनके परिवार के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कुछ उनके करीबी नेता ही विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक नेता ने इस्तीफा दिया है और चुनाव उनको लड़वाने के लिए इस्तीफा दिया ही, पूरी बात सामने आ गई है। बिल्कुल, गोंडा से जो विधायक है सरफराज अहमद, उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई। खुद उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन को बचाना है, सरकार को बचाना है, तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब वो खुली जबान से बोल रहे हैं कि उनका इस्तीफा किसी न किसी कारण से दिया किया है, यानी सीधे हेमंत सोरेन को एक तरह से सत्ता में बचाए रखने के लिए किया गया है। अब जो उनकी JMM है झारखंड के अंदर, जो उसका उदय हुआ वो एक अलग तरह से हुआ, राजद का उदय एक अलग तरह से हुआ, दोनों पार्टियों का आधार बिल्कुल अलग है। लेकिन राजनीति की अगर हम बात करें, हेमंत सोरेन जो नेता है उनकी अपनी पकड़ झारखंड के अंदर है, लेकिन लालू यादव की पकड़ देश के सत्ता में है, केंद्र में भी है। अब आप क्या मानते हैं कि जो प्रेशर लालू यादव झेल गए, जेल भी चले गए, घोटालों के आरोप भी लग गए, पूरे देश में बदनाम भी हो गए, फिर भी आज देखिए, आज भी लालू यादव के चाहने वाले, क्या वो प्रेशर हेमंत सोरेन झेल पाएंगे? क्योंकि इस वक्त मोदी है, आप समझ रहे हैं, BJP है सत्ता में, केंद्र में, BJP जिस पावर में है उसमें हेमंत सोरेन का बचना कितना आपको लगता है आसान होगा उनका बचना? बिल्कुल नहीं अर्पिता, झारखंड के लिए नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग थी, हालांकि उस समय झारखंड साथ में था, झामियो भी पार्टी थी उस समय, पर अभी जो बिहार की राजनीति बहुत अलग थी उस समय। उसमें भाजपा के साथ उतनी भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी कि लालू यादव से सीधे टक्कर ले लेते, पर झारखंड में भाजपा बहुत मजबूत है और आदिवासियों वोट पर उनका एक बहुत बड़ा पकड़ है। और अभी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी, वो उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो उनका एक बहुत बड़ा पकड़ है वो आदिवासियों में। तो एक आदिवासियों की जो कहा जाता है कि उनका एक एकता होता है ना, या जो मूव करते हैं ना, तो पूरा एक समुदाय मूव करता है। हम लोग की अन्य जातियों में आप देखेंगे कुछ लोग, कुछ गांव मूव करता है, गांव नहीं, उनकी समुदाय मूव करती है। और हाल में नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए झारखंड में, ये सब तो एक संकेत दिया ही जा रहा था कि झारखंड में BJP अपना पूरा प्रचार प्रसार कर रही है, कहां कुछ हुआ पर BJP अपना खेला कर देगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया। एक और छत्तीसगढ़ में अभी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, तो ये सब असर होगा और BJP वहां बहुत मजबूत है। थोड़ा से भी झामियो कमजोर हुई, थोड़ा से भी महागठबंधन कमजोर हुआ, BJP हुआ खेलकर। देखिए, BJP ने जो इस वक्त माहौल बना रखा है झारखंड के अंदर, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती पर नरेंद्र मोदी का पहुंचना वहां पर हुआ, उसके बाद से वहां BJP बहुत स्ट्रांग हो गई, सीधे आदिवासी BJP से नरेंद्र मोदी से कनेक्ट हुए। अब आपने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी चूंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो हेमंत सोरेन को ये डर है कि मान लो अभी हम सत्ता परिवर्तन कर भी दे, उनकी जो अपनी नहीं है, उनको CM की कुर्सी पर हम मान लो बिठा भी देते हैं, बाय चांस ये संभव हो जाता है, पर आने वाले चुनाव में क्या जनता स्वीकार करेगी,
क्योंकि अगर वो जेल चले गए इसका मतलब तो यही होगा कि जो उन पर आरोप है घोटालों के वो सही है, वो घोटालेबाज है, ये साबित हो जाएगा फिर तो अगर वो जेल चले जाते हैं। अब मुझे वो तस्वीर साफ दिख रही है अर्पिता, जब इंडिया एयरलाइंस का या महागठबंधन की रैली होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहाँ क्या भाषण दिया जाएगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या भाषण देंगे, प्रियंका गांधी क्या भाषण देंगे कि इनको ईडी सीबीआई ने भेजा, वहां लालू यादव बैठे रहेंगे जो चारा घोटाला के दोषी है, मतलब वो चारा घोटाला किए हैं, कोर्ट ने ये सुनाया है फैसला। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो जेल में है उन पर बात होगी, तो किस पर बात करेगी इंडिया एयरलाइंस के लोग, अब बताइए कैसी जीत होगी, वहाँ क्या भाजपा पर आरोप लगेगा, क्योंकि भाजपा वहाँ सत्ता में नहीं है, तो आप क्या भाजपा पर आरोप लगाएंगे, यही ना आरोप लगाएंगे मंदिर बना दिया, तो मंदिर कोई खराब चीज थोड़ी होता है बनाना, तो ये तस्वीर साफ है यार। आप इंडिया एयरलाइंस की जो रैली आप वहां देखेंगे, वहां तस्वीर जो देखेंगे, वहां उस तरह की कोई बड़ा मैसेज नहीं जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं बताई जाएगी जिससे लोग आकर्षित हो, और इसमें भाजपा कमाल कर देगी, कमाल करेगी। कुल मिलाकर देखिए झारखंड के अंदर जो तस्वीर साफ हो चुकी है कि कभी भी जो राज्यपाल है जिनके पास एक बंद लिफाफा अभी भी पड़ा हुआ है, लंबे वक्त से पड़ा हुआ है, लगभग एक साल हो चुका है, वो लिफाफा अगर खुलता है, क्योंकि खुद राज्यपाल ने इसकी अनुशंसा की थी कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं घोटालों में संलिप्त है, चुनाव आयोग इसकी जांच करे, अगर चुनाव आयोग ने उस लिफाफे में ये लिखा होगा कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, तो सीधे सीधे हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी और उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी, और फिर वो अपनी पत्नी को बना देंगे सीएम, लेकिन उनकी पत्नी को भी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर आना होगा। अब चुनाव आयोग करवाएगा या नहीं करवाएगा ये भी बड़ा सवाल है। तो ये वक्त हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल भरा है, पत्नी का नाम भले चर्चा में ले आए हो लेकिन कुर्सी मिल ही जाए वो सरकार में बने ही रहेंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, सारा खेल राज्यपाल के हाथ में है। ईडी ने कई बार चेतावनी दी, कई समन भेजे हेमंत सोरेन को, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, तो ईडी के पास इकलौता रास्ता बचता है उनकी गिरफ्तारी का, जो कि अब तस्वीर साफ हो रही है। अब लालू यादव के रास्ते पर चलेंगे हेमंत सोरेन तो जनता क्या उनको स्वीकार करेगी, ये भी कई बड़े सवाल है। इन पर और खबरें और चर्चा लेकर आएंगे, फिलहाल इस खास खबर को चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।